उधार कर लाए, जो भोले को नहलाए वो मन चाहा फल पाए, भव सागर से तर जाए वो घड़ियां जल्दी आए, जब अखियां दर्शन पाए, क्या देख रहा है तू दूरी, चल इच्छा कर ले तू पूरी, शुभ का तुझको धाम मिलेगा, वही तुझे विश्राम मिलेगा, मनवांछित फल पाएगा तू, शिव जी को जो ध्याएगा तू, कड़ी धूप में तपता जा तू, शिव की माला जपता जा, कण कण में उसकी मूरत है, कण कण में उसको तपता जा, बाबा के दर्शन की धुन लागी, हुए हैं हम शिव के बैरागी, बाबा है भोले भंडारी भोले बाबा। जिसका पाजक माथे पर चंद्र विराजत, गंगा धारण करने वाला, सर्पों की वो पहने माला, तू कर ले अपनी तीव्र गति, तेरा पथ देखे जति जति, किस चीज की चिंता करता है, तुझे मिल जाएगा उमापति, शरणागत शिव जी का हो जा, शिव जी की भक्ति में खो जा, अंतर घट में डूब जा अपने, भोला तुझको लगेगा दिखने, ये जीवन झूठा सपना, वो शिव जी तेरा अपना, तू पंचभूत का बंधन कर ले शिव जी का बंधन, बाबा के दर्शन की धुन लागी, हुए हैं हम शिव के बैरागी, बाबा है भोले भंडारी भोले बाबा। प्राचीन प्रथा है एक पुराणिक सत्य कथा, इसकी महिमा सबको है पता, ये दूर करे दुख दर्द व्यथा, वो शिव जी है कर्ता कारण, कर उसके नाम का उच्चारण, वो कड़ी परीक्षा लेता है फिर परम मोक्ष दे देता है, सकल जगत है शिव का खेला, जीवन है दो दिन का मेला, शिव की कर ले चल के सेवा, शिव जी है देवों का देवा, वो सबके लिखता लेखे, वो दूर से सबको देखे, तू रस्ते में क्या सोचे, ये सोच के कब तू पहुंचे, बाबा के दर्शन की धुन लागी, हुए हैं हम शिव के बैरागी, बाबा है भोले भंडारी भोले बाबा, भोले ने बुलाया चल चल कांवरिए, बाबा ने बुलाया चल चल कांवरिए, भोले ने देखो हम सबको बुलाया, भोले की माया जैसे धूप और छाया, महिमा तेरी नारी मेरे भोले बाबा। सुन बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी।
जाके दीपक, मन है मेरा शिवाला, तूने अपने रंग में मेरे जीवन को रंग डाला। नैन मेरे पूजा के दीपक, मन है मेरा शिवाला, तूने अपने रंग में मेरे जीवन को रंग डाला, तूने अपने रंग में मेरे जीवन को रंग डाला। ओ, तेरे जैसा नहीं कोई, तेरे जैसा नहीं कोई, पर उपकारी सुन, बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी। शिव शंकर कैलाश पति, तू है त्रिलोकनाथ, तेरी कृपा हुई तो देखी जीवन की प्रभा। शिव शंकर कैलाश पति तू है त्रिलोकनाथ, तेरी कृपा हुई तो देखी जीवन की प्रभा, तेरी कृपा हुई तो देखी जीवन की प्रभा। हो अब न मिलेगी कोई, अब न मिलेगी कोई, रैन अंधियारी सुन, बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी। चूप के भती गंगा में मुझको मिला किनारा, ये तेरा उपकार है तूने मुझको दिया सहारा। अविरल यूं ही सतत बहता हुआ ये जल पर्वतों का सीना चीर कर इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि कितनी विशाल है, कितनी सुंदर है। और पर्वतों के मध्य बहता हुआ ये तेज दूध या सफेद शीतल निर्मल जल, जिसे देखने करीब से छूने की चाहत इंसान को युगों युगों से रही है, और प्रकृति के इन सुंदर दृश्यों को बहुत करीब से देखने, दिल में सदा सदा के लिए कैद कर लेने की इच्छा मानव युगों से करता आया है। मणिमहेश की ये यात्रा भी कुछ ऐसे दृश्यों के साथ ही इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बुढ़िल नदी है, इसे मणिमहेश नाला भी कहते हैं। इतना सुंदर, इतना प्राकृतिक दृश्य है कि यहां कुछ क्षण रुककर हर यात्री इसका आनंद लेना चाहता है। और दो पर्वतों के मध्य बहता हुआ ये बुढ़िल नदी का दृश्य जिसे हम देख रहे हैं, इतना आकर्षक, इतना मनोरम है और उतना ही रोमांचक भी है। रोमांच इसलिए कि इसे पार करने के लिए जो अस्थाई पुल यात्रा के दिनों में बनाया जाता है, बेतरतीब कटी हुई लकड़ियां यूं ही वहां टिका दी जाती हैं, और ऊपर से गुजरते हुए आदमी यात्री सहसा कह उठता है,
भोलेनाथ सबके साथ। सचमुच इस यात्रा के दौरान यात्री ये महसूस करते हैं कि भोलेनाथ उनके अंग संग हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं, और यही रोमांच है इस यात्रा का। इस पर्वत से गुजरते हुए जब पुल आते हैं तो वहां से निकलकर इतनी आत्मिक शांति मिलती है कि सहसा आदमी कह उठता है, हे पर्वतराज, तुम इतनी दूर इतनी सुंदरता अपने आगोश में समेटे क्यों बैठे हो। तो यूं कहता है पर्वत, मानो मानव, मैं तो बना ही इसलिए हूं कि तुम यहां आओ और मुझे सर करो और रोमांच की सारी सीमाएं लांघ जाओ। सचमुच यहां आकर रोमांच की तमाम सीमाएं लांघ जाता है मानव। है भक्तों के साथ शिव कैलाशनाथ, है भक्तों के साथ शिव कैलाशनाथ, है भक्तों के साथ शिव कैलाशनाथ, है भक्तों के साथ हरि के हम बंदे जपे हर हर गंगे शिव चिंतन पार लगाए। बोलो जय भोलेनाथ शिव कैलाशनाथ, है भक्तों के साथ शिव कैलाशनाथ। जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर। शंभू के है चरण कमल, आहा चरण कमल, आहा चरण कमल, शीश झुका के कर ले अपना मन निर्मल, अपना मन निर्मल। हरि के हम बंदे जपे हर हर गंगे शिव चिंतन पार लगाए। बोलो जय भोलेनाथ शिव कैलाशनाथ, है भक्तों के साथ शिव कैलाशनाथ। जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर। मन में बाबा वास करे, त्रिशूल उठा के बदी का देखा नाश करे, बदी का नाश करे। हरि के हम बंदे जपे हर हर गंगे शिव चिंतन पार लगाए। बोलो जय भोलेनाथ शिव कैलाशनाथ, है भक्तों के साथ शिव कैलाशनाथ। हरि के हम बंदे जपे हर हर गंगे शिव चिंतन पार लगाए। बोलो जय भोलेनाथ शिव कैलाशनाथ। युगों से अविरल बहते हुए मणि महेश नाला के साथ साथ चलती पगडंडियों पर चढ़ते हुए यात्री प्रकृति का भरपूर आनंद लेकर जब धनछो नामक स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां दर्शन होते हैं एक बहुत
खुली विशाल वादी का यहाँ पर जगह जगह लंगर लगे हुए हैं, जगह जगह पर्यटन विभाग की ओर से तंबू यात्रियों के रहने के लिए और बहुत सी प्राइवेट संस्थाएं जो हैं या दुकानदार हैं उनकी ओर से भी यहाँ ठहरने के लिए टेंट लगाए गए हैं। धनछो वो जगह है जिसका बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। भगवान शंकर बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के देवता माने जाते हैं। इस स्वभाव के कारण वे वर देने में ना तो संकोच करते और ना ही विलंब। जिस पर भी प्रसन्न हुए उसे मनवांछित फल तुरंत दे दिया। वर मांगने वाला देवता हो या राक्षस, उन्हें इससे क्या मतलब। ऐसा ही भोलेनाथ ने भस्मासुर राक्षस के बारे में भी किया। एक बार भस्मासुर घोर तपस्या के बाद भगवान शंकर से कहने लगा, प्रभु मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर मुस्कुराए और कहने लगे, तथा अस्तु। वर दे दिया। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये भस्मासुर अब इस वर का इस्तेमाल उन्हीं पर करना चाहता है। तुरंत कहने लगा कि भोलेनाथ, मुझे क्या पता चले कि आपके द्वारा दिया गया ये वर सार्थक है भी या नहीं। भगवान बोले, तो उसे सार्थकता कैसे सिद्ध करूं। भस्मासुर कहने लगा, मैं आपके सिर पर हाथ रखना चाहता हूं। भगवान घबराए और घबराहट में यहां से वहां से नंदी को छोड़कर आगे चल दिए। जब काफी दूर तक भस्मासुर उनका पीछा करता हुआ धनछो नामक जगह तक आया तो वहां भगवान विष्णु थे। विष्णु जी से भगवान शंकर कहने लगे कि प्रभु, मैं एक असुर को वर देने के कारण मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे उससे छुटकारा दिलाए। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगे, प्रभु अपने वर देने की इच्छा जो आपकी है उसे सहजता में ना ले जाएं, उस पर मर्यादा लगाएं। तो विष्णु जी ने तुरंत अपना मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करने के बाद वो नृत्य करने लगी। मोहिनी को नृत्य करते देख भस्मासुर का ध्यान भोलेनाथ से अलग हो गया तो वो मोहित होकर मोहिनी से कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोहिनी ने तुरंत उससे कहा, पहले मेरे साथ नृत्य करो, नृत्य करने के बाद अगर तुम उसमें सफल हुए तो उस पर विचार करूंगी। भस्मासुर नृत्य करने लगा। मोहिनी जैसी भाव भंगिमाएं बनाती भस्मासुर भी वैसे ही करता और चूंकि ये एक लीला थी प्रभु की, भस्मासुर का अंत करना था, मोहिनी ने नृत्य करते हुए एक ऐसी आकृति बनाई कि अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख दिए और भस्मासुर ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही भस्मासुर ने अपने हाथ अपने सिर पर रखे वह तुरंत भस्म हो गया। ये कहानी सुनाने का हमारा मतलब ये है कि भस्मासुर से जुड़ी ये कथा इस यात्रा के इस सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव धनछो से जुड़ी हुई है। भस्मासुर धनछो में ही भस्म हुआ था ऐसा बताते हैं। धनछो एक बहुत सुंदर वादी है। यहाँ पर हर यात्री कुछ क्षण रुककर आराम करना चाहता है। यूं भी तो ये पूरी यात्रा हटसट से लेकर मणिमहेश तक की आधी मार्ग तय करने वाली यात्रा कही जाती है और यहाँ आधा मार्ग तय करते हुए यात्री कुछ देर रुकते हैं, लंगर ग्रहण करते हैं, विश्राम करते हैं और आगे बढ़ देते हैं अगली यात्रा के लिए। शिव भोला भंडारी बाबा भोला।
बोल रहा है, एक तुला है जिसमें शंकर सबको तोल रहा है। समुद्र तल से 10,500 फुट की ऊंचाई पर ये स्थान है धनचू का। यहाँ पर प्रकृति का एक ऐसा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है कि यात्री यहाँ प्रकृति के इस दृश्य को देखकर वाह वाह कर उठता है। धनचू से थोड़ा आगे जब हम बढ़ते हैं मणिमहेश पर्वत की ओर, तो दूर से लगभग 1500 फुट की ऊंचाई से गिरते हुए सफेद निर्मल दूधिया जल की जलधारा को देखकर मन असीम आनंद से आनंद की अनुभूति होती है। उस दृश्य को देखकर 1500 फुट की ऊंचाई से गिरता हुआ जल प्रपात का ये सुंदर शीतल निर्मल जल जब नीचे एक विशाल पाषाण शिला पर गिरता है, तो आसपास खड़े यात्रियों के चेहरों पर इस जल की ठंडी ठंडी फुहार पड़ती है और इस फुहार को अपने चेहरों पर पड़ते रहना चाहते हैं, उसी प्रकार देखते रहना चाहते हैं यात्री। और जब ये फुहार चेहरों पर पड़ती है तो मानव मन मचल मचल उठता है और सोचने लगता है कि प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी विराट है, कितनी विशाल है, कितनी सजीली है। और यूं लगता है कि ये शीतल जल जब गिरता है तो मानव से कह रहा हो, मानव मैं तो युगों युगों से तुम्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करता आया हूँ, मुझे तुम्हारी इंतजार रहती है। इन पर्वतों पर जब तुम नहीं आते तो मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ। इन पर्वतों के बीच तुम्हें पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और मन ही मन मंद मंद मुस्काता हुआ प्रकृति के इन सुंदर सजीले दृश्यों को मन में कैद करता हुआ बार बार देखने की चाहत दिल में पाले हुए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि प्रकृति आगे बहुत कुछ अपने हाथों में लिए, आगोश में लिए, हाथ पसारे मानव का इंतजार कर रही है। नायक तू है निष्कंटक, तू हर ले संकट, सृष्टि का सृजनहार है तू, इस धरती का आधार है तू, इस पार है तू, उस पार है तू, हे शिव जी अपरंपार है तू। तुझे देख के हे शंकर मेरा मनवा डोल रहा है, एक तुला है जिसमें शंकर सबको तोल रहा है। शिव भोला भंडारी, बाबा भोला भंडारी।
शिव आदि पार्वती शिव शंकर भोला जति सती आधा शिव आदि पार्वती जो समझ गया वो पार हुआ जो ना समझा वो मंदमती जय भोले शिव शंकर भोला जति सती आधा शिव आदि पार्वती जो समझ गया वो पार हुआ जो ना समझा वो मंदमती शिव आदि पार्वती जो समझ गया वो पार हुआ जो ना समझा वो मंदमती धनछों से आगे बढ़ते हुए जिस पर्वतमाला को आप देख रहे हैं उस पर्वतमाला के बीच से बहता हुआ ये बुढ़िल नदी का जल कलकल करता शोर मचाता हुआ आगे बढ़ता जाता है मगर मानव के पांव यहाँ की जड़ी बूटियों यहाँ के लाल नीले पीले हरे जामुनी रंग के फूलों को देखने के लिए रुक जाते हैं। ये फूल जिनके करीब कई जगह छोटी छोटी तख्तियां लगी हुई हैं, कृपया यात्री इन फूलों को हाथ मत लगाएं। कहते हैं कि ये फूल गौरजा का बगीचा नाम से ये पर्वत जो है उस पर उगे हुए हैं। गौरीकुंड में स्नान करने के बाद माता गौरजा शिव अर्चना के लिए यहीं से फूल लेकर जाया करती थी और ये फूल जिनको हाथ लगाने के लिए मना किया जाता है के बारे में कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन खींचते हैं। मानव को यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, चढ़ते हुए सांस फूलने लगता है। शायद इसका कारण ये रहा होगा कि ये फूल माता गौरजा ने इसीलिए यहाँ उगाए कि मानव आगे ना बढ़े। भगवान शंकर जो पर्वतों पर तपस्या में लीन हैं, उनकी तपस्या में बाधा ना हो, मगर मानव युगों युगों से तपस्या तप करते हुए योगियों तपस्वियों की तलाश में मन की शांति के लिए इन पर्वतों को सर करता आया है और आज भी वो बढ़ रहा है इन पर्वतों को सर करते हुए आगे और आगे। इस पर्वतमाला के दूसरी ओर कहा जाता है कि जो जड़ी बूटियां हैं वो विश्व की सर्वाधिक दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं और ये भी बताते हैं कि इन बूटियों के इर्द गिर्द इनकी जड़ों के बीच मणिधारी नाग यहां निवास करते हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उन मणिधारी नागों का उद्देश्य मानव को यहां आने से रोकना है। और इतिहास के पन्नों को पलटते हुए हमें ये भी पता चला कि जब श्री राम रावण युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनकी मूर्छा तुड़वाने के लिए जब संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी तो हनुमान जी इसी पर्वत पर से पहाड़ उठाकर ले गए थे। तो ऐसी किंवदंतियों से जुड़ी ये महायात्रा
और इस यात्रा के साथ जुड़ी ये कथाएं सुंदर प्राकृतिक नजारों के बीच में से मानव को आगे बढ़ने को प्रेरणा देती हैं। और ये रास्ता यहां से जो गौरीकुंड तक जाता है भले ही 4 किलोमीटर का है, लेकिन ये 4 किलोमीटर का रास्ता बहुत सख्त चढ़ाई का है। लगभग 70 या 75 डिग्री का ये रास्ता मानव को धीरे धीरे चींटी की चाल जैसा आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। यहां सांस भी फूलता है लेकिन हौसला कोई नहीं हारता। भोले से मिलने की चाह में, कैलाश के दर्शन की चाह में, शिव की प्रिय डल में स्नान करने की चाहत लिए मानव धीरे 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 आगे बढ़ता चला जाता है। सुंदरासी नामक पड़ाव में कुछ देर सुस्ताने के बाद वो आगे की ओर बढ़ता है और गौरीकुंड में पहुंचकर उसे अगर मौसम साफ हुआ, भाग्य अच्छा हुआ तो जाते ही दीदार होते हैं कैलाश के मणि महेश पर्वत के। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, ओ भोले मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। दर्श के प्यासे नैन है मेरे, दर्श के प्यासे नैन है मेरे, अब तो दर्श दिखा दे। करते समय यात्री देखते हैं कि शिव धाम के करीब गौरीकुंड जरूर मिलता है, और ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणाएं हैं कि शिव जी की जो तपस्या स्थली है उसके बहुत करीब कहीं ना कहीं माता गौरजा के रहने का स्थान और उनके स्नान करने का स्थान बना हुआ है। और ऐसी ही ये चीज यहां भी मणिमहेश की यात्रा के समय देखने को मिलती है। लगभग 1 किलोमीटर पहले मणिमहेश पर्वत से गौरीकुंड नाम का यह स्थान है। यहां पर आज भी जल का कुंड बना हुआ है। इस विशाल कुंड में आजकल स्त्रियां स्नान करती हैं, पुरुषों का स्नान करना यहां वर्जित है। और कहते हैं कि इस कुंड का जो जल है वो थोड़ा गर्म है, और इस कुंड में स्नान करने के बाद माता गौरजा की बनी हुई मूर्ति को वस्त्र पुष्प आदि अर्पण करने के बाद स्त्रियां आगे की यात्रा के लिए बढ़ती हैं। गौरीकुंड एक बहुत खुली वादी है। यहां पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यहां से एक रास्ता मणिमहेश पर्वत को जाता है तो दूसरा रास्ता कमलकुंड को जाता है। कमलकुंड को जाने वाला रास्ता गौरीकुंड से मात्र 3 किलोमीटर का है, जो अक्सर भारी बरसात के कारण बंद रहता है। ये कमलकुंड वही कुंड है, यहां पूर्व काल में भगवान विष्णु ने सहस्त्र कमल यज्ञ किया था।
और आज भी उस कुंड को मूल रूप में वहां सुरक्षित रखा गया है। इस कुंड में लोग छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके यहां घर बनाते देखे जा सकते हैं। यहां पर पर्वतीय क्षेत्र किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह आदि से आए गद्दी जाति के लोग जो अपने साथ भेड़ों को लेकर आते हैं, यहां पर उसे बलि देने की परंपरा है। पूर्व काल में तो बहुत बड़ी संख्या में भेड़ों को यहां बलि दी जाती थी, मगर धीरे धीरे समय के बदलने के साथ इस परंपरा में कुछ कमी आई है, मगर आज भी बहुत से लोग यहां भेड़ों की बलि इसलिए देते हैं कि उनकी मान्यता है कि जब वो इस यात्रा पर आते हैं, मन्नत मांगते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो उससे एवज में वो यहां पर आकर भेड़ों की बलि देते हैं। तो ऐसी परंपराओं से जुड़ी मणिमहेश की ये यात्रा बहुत ही अलौकिक, भव्य और मनोहारी है। पूरे दिन की पैदल यात्रा के बाद जब यात्री थके मांदे गौरीकुंड में पहुंचते हैं तो यहां आकर सुस्ताने की चाहत में बैठ जाते हैं। गहरी धुंध और काले बादलों से छाए रहने वाले इस समूचे पर्वत श्रृंखला के बीच कभी कभार बादल छटते हैं तो यात्रियों की दृष्टि दूर मणिमहेश पर्वत के शिखर को ढूंढने लगती है, और जब तेज हवाओं ने धुंध को सरका दिया हो और कैलाश शिखर दिखाई देने लगे तो यहां पर खड़े यात्री अपनी सारी थकान भूल जाते हैं और भगवान शंकर के जयकारे गूंजने लगते हैं। उनके चेहरों पर खुशी देखने वाली होती है, क्योंकि जिस इच्छा को पाले हुए वो हजारों मीलों का, सैकड़ों मीलों का सफर तय करके यहां तक पहुंचते हैं, अगर आते ही उन्हें साफ मौसम में दीदार हो जाए तो इससे बड़ी सफलता उनके लिए और क्या हो सकती है। ऐसा ही दृश्य